तो इधर ब्लैक डक खाना खा रही है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, उधर खरगोश को देखो वो खेल रहा है। तो इधर देखो ये वाली हमारी सफेद डक है, इनको मैंने वहाँ पे खाना डाला था। दोस्तों आप देख रहे हैं, ये देखो ये सब परिंदे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो अभी यहाँ पे ये देख रहे हैं सब्ज है लाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे जो हमारी देसी मुर्गी है और उसके साथ जो हमारा खरगोश है वो इकट्ठे खा रहे हैं, इकट्ठे दोस्ती की हुई है उसने। तो दोस्तों आइए आपको मैं दिखाता हूँ। तो इधर ब्लैक डक खाना खा रही है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, उधर खरगोश को देखो वो खेल रहा है, और उसके साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं सफ़ेद वो देखो वो खेल रहे हैं। तो दोस्तों इधर कबूतर भी बहर आ गए, ये देखो ये कबूतर आ गए, अभी चक्कर लगा रहे हैं। ये वो वाला बच्चा है कबूतर का जो ज़ख्मी था, अब कुछ बेहतर है पहले से। तो दोस्तों इधर देखो ये ब्लैक डक खा के इधर मेरे पास आने लगी, चूं चूं करने लगी। क्या है ये? ओ तेरी खैर, इतने जल्दी से इसको देखो ये खड़े होकर। उधर देखो ओ खरगोश आ गया जी। किधर जा रहा है यार तू? अपने घर में जा रहा है? कौन है, कोई है अंदर? कोई नहीं है यार घर में। इधर देखो ये हमारी जो मुर्गियाँ हैं ना, उसको हमने बंद किया हुआ है, वो लड़ती हैं हमारे कबूतर के साथ। तो दोस्तों आगे मैं आपको दिखाता चलूं। ये देखो इधर दूसरा खरगोश बैठा हुआ है। तो दोस्तों इधर देखो वो लाल और सब्ज़ कबूतर खेल रहे हैं। तो इधर देखो ये वाली हमारी सफेद डक हैं, इनको मैंने वहाँ पे खाना डाला था, अब यहाँ पे ये देखो एक साइड पे कर दिया। ये लड़ती हैं छोटे छोटे बच्चों से, तो इसलिए मैंने इसको साइड पे कर दिया। दोस्तों आप देख रहे हैं, ये देखो ये सब परिंदे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो अभी यहाँ पे ये देख रहे हैं सब्ज़ है लाल है सफ़ेद है, और उसके साथ साथ ये खरगोश भी हैं, और इधर हमने घास उगाया हुआ है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, तो मैं आपको नज़दीक थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। ये देखो लाल कबूतर बैठा हुआ है, उसके साथ सब्ज़ है और सफ़ेद है, सफ़ेद को बच्चे ने तंग किया हुआ है। तो दोस्तों इधर ये खाने का इंतज़ाम अभी खुद कर रहे हैं, ये खुद खा रहे हैं। ये कहते हैं हमें घर अपने कमरे में भी डालो। तो अभी दोस्तों आप देख रहे हैं, इधर हम इनको पानी भी डालेंगे और दाना भी डालेंगे। ये देखो ये बच्चा बीमार था जो अभी कुछ ना कुछ बेहतर है, और अभी अपने आप को सफा भी कर रहा है। तो दोस्तों आगे मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। इधर देखो ये जल्द इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे, और इसके अंडे और बच्चे अभी आ जाएंगे। तो उधर लाल ने भी तंग किया हुआ है। तो दोस्तों ब्लैक डक आ गए, वो तेरी खैर। इधर देखो ये जो मुर्गी है ना, मुर्गी लड़ रही थी वहाँ उनसे। तो दोस्तों ये देखो इधर आ गए अपनी जगह पे। तो अब कबूतर भी, दरवाज़ा बंद था, इनको भी बाहर आने देंगे, ये बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं इनको यहाँ से कुछ थोड़े से खुराक डालेंगे, तो ये सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखो मुर्गी उधर चली जा, तू इनको तंग करती है तू यार, क्यों उधर चली गई? तो दोस्तों इधर देखो मैंने इनको अलग जगह पे खुराक डाल दी है। तो उधर खरगोश भी बाहर आने की कोशिश कर रहा। तो दोस्तों इधर देखो खरगोश भी आ गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये देखो ये सब ब्लैक डक भी बाहर आ गई, इधर उधर सफ़ेद लाल, और इधर देखो ये खरगोश भी बाहर आ गया और ब्लैक मुर्गी आ गई। इधर ये देखो ये छोटा बच्चा जो है ना पानी पी रहा है, और उधर देखो वो रेड मुर्गी भी अपने बच्चों के साथ खा रही है, और उधर ब्लैक डक चक्कर लगा रही है लाइन में, और देखो लाइन में चक्कर लगा रही है। तो दोस्तों देख रहे हैं इतनी गर्मी थी, ये पानी भी ख़त्म कर दिया है इसने, ब्लैक डक का पानी है, और खुराक भी ख़त्म हो गई। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये देखो कबूतर के अंदर, ये देखो वही उसके साथ जो साथ वाला बच्चा बैठा है ना, वो पानी पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनसे नीचे था पानी। तो दोस्तों इधर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखो ये अंडों पर भी बैठी हुई है,
और इसके साथ साथ और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, ये खरगोश जो है ना मुर्गी वाले कमरे में आ गए। क्यों आ गए यार, यहाँ पे क्या करना था आपको? वही हमारी मुर्गी ने भी अंडा दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारी मुर्गी ने भी आज अंडा दे दिया, जो ब्लैक मुर्गी थी ना उसने अंडा दिया हुआ है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, और यार आप बहरा आ जाओ इधर। तो ये बहरा आ गए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इधर ब्लैक मुर्गी और रेड मुर्गी इनको खाने नहीं दे रही, इसलिए ये देखो ये भाग दौड़ कर रही हैं इधर उधर। तो दोस्तों मैंने इधर सफ़ेद डक को भी वहाँ पे खुराक डाल दी है, और ये अभी कहते हैं कि हमें इस तरफ से अंदर आने दो, लेकिन मैं इनको नहीं आने देते, ये छोटे बच्चों को। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये देखो यहाँ से ब्लैक डक और वहाँ पे कबूतर, और ये इतने कमरे मैंने खुद बनाए हुए थे, और उस तरफ देखो खरगोश, और यहाँ पे इनकी खुराक, और यहाँ पे पानी तालाब इनका खेलने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा, ये देखो छोटे बच्चे इधर, उसके साथ साथ ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी आ गए, और इधर खरगोश भी भाग कर अपने कमरे में जा रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे हम कुछ और नई चीज़ें भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उधर देखो सब्ज़ को वो पर मार रहा है, उड़ने की कोशिश कर रहा था। तो इधर ये तालाब में आ गए, ये देखो क्या है यार, क्या है तुमको, यहाँ भी जाते हैं, ये लाइन बना के जाते हैं यार। यहाँ पे एक वो देखो उधर से आ गया और उनको तंग करने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अब मैं कुछ टाइम बाद इनको थोड़ी सी, वो जो बच्चा है ना जिनके हुई उनको मारता है यार, वो जो बच्चा है ना उनको मेडिसिन लगानी थी, मेडिसिन लगाएंगे और उनको वो देखो वही। तो दोस्तों अभी मैं इनको कोशिश करूँगा मेडिसिन लगाने की। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल शारिस पेट्स हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वो इतनी तेज़ी से भाग के अंदर चला गया खरगोश, डर रहा था किसी किसी चीज़ से। तो दोस्तों इतनी जल्दी से वो चला गया अंदर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने घास भी उगाना था, लेकिन अभी तक हमने मंगवाया हुआ था, अभी आया नहीं क्योंकि लेट होगी थोड़ी सी। तो दोस्तों माजरत चाहते हैं इसे। तो ये बच्चा है वो देखो, देखो मुर्गी लड़ने की कोशिश कर रही है उसे। तो मैं अब वहाँ से सफ़ेद डक को यहाँ पर लाऊंगा तो वो रेड मुर्गी और ब्लैक मुर्गी को भगा देगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं मरती है, इसलिए